सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, सुबह सुबह आप लोगों ने एक न्यूज देखी, 90% से ज्यादा अंक मिले तो उत्तर पुस्तिका का होगा गहन निरीक्षण, यानी कि जिन भी प्रशिक्षकों को 90% से ऊपर नंबर मिल रहे हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है 50 नंबर का है, तो अगर 45 से ऊपर नंबर आपके आ रहे हैं या 45 नंबर आ रहे हैं तो एक बार आपकी कॉपी फिर से जांची जाएगी, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीटीसी व डीएलएड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा और सचिव परीक्षण एवं प्राधिकारी ने जरूरी निर्देश दिए हैं। तो आप लोगों को इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, जिन भी प्रशिक्षुओं ने मेहनत से अपना पेपर दिया है, जिन लोगों ने अच्छे से सारा अपना हर एक सब्जेक्ट का पेपर मेहनत से लिख करके दिया है, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी थी जिनको लेकर के प्रशिक्षु लगातार कमेंट कर रहे थे। यहाँ पर लिखा था कि बीटीसी एवं डीएलएड की विभिन्न सत्रों एवं सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बुधवार से शुरू होकर 18 अक्टूबर तक सूबे के निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर होगा। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी नियंत्रक, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा और यह पहले भी होता आया है। साथ ही यदि किसी परीक्षार्थी को किसी विषय में 90% से अधिक अंक मिले हैं तो ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का गहन मूल्यांकन उप प्रधान परीक्षक करेंगे। यहाँ पर बस यही बात की गई है कि अगर आपके 50 नंबर के पेपर में 45 नंबर या 45 से ऊपर आता है तो आपकी कॉपी कोई और भी देखेगा, वहां पर कौन देखेगा, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया, उप प्रधान परीक्षक करेंगे, यानी कि उस कॉपी का निरीक्षण एक बार वह फिर से करेंगे। तो आप लोग परेशान क्यों है इसको लेकर के, आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं परेशान होना है। उसका रीजन ये है कि आप लोगों ने जितने मेहनत से अपना एग्जाम दिया है, आप लोगों ने सारे पेपर अच्छे से किए हैं, तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि 90% से ऊपर अब किसी बच्चे का अंक आएगा ही नहीं। तो अगर आपने अच्छे से अपना एग्जाम दिया है, अच्छे से आपने आंसर सारे क्वेश्चन के लिखे हैं, तो आपको डरने को किसने कहा। बहुत सारे प्रशिक्षु सुबह से बिल्कुल डरे हुए हैं इस न्यूज को देखकर, बार बार कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आप लोग के मन में जो भी डर है वो बिल्कुल निकल जाए। आप लोग का फोकस अब बीटीसी पर तो होना ही नहीं चाहिए, डीएलएड पर तो अब होना ही नहीं चाहिए। आपने अपना एग्जाम चारों सेमेस्टर का अच्छे से दे दिया ना, अब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए यूपी टेट और सी टेट पर और सुपर टेट पर। ये आपका लक्ष्य है, बिना इसको पास किए आप शिक्षक नहीं बनोगे, आप जानते हो। तो आप डीएलएड और बीटीसी के चक्कर में अब आप इससे बाहर निकलिए। आपने अपना एग्जाम अच्छे से दे दिया और ये जो गलत फहमी है कि 90% से ऊपर नंबर नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 45-46 नंबर का पेपर किया तो क्या आपको उससे कम नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी कॉपी 2 लोग 4 लोग 10 लोग या 20 लोग देखें, अगर आपने कॉपी में कंटेंट लिखा है, सारे क्वेश्चन के आंसर सही लिखे हैं, तो क्या वो आपको नंबर नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, उनकी मजबूरी है देना क्योंकि आपने सारे आंसर सही लिखे हैं। तो ये जो गलत फहमी यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षुओं को हो गई है कि अब 90% से ऊपर नंबर मिलेंगे ही नहीं, ये गलत फहमी मत पालिए। 92, 93, 96, 97.5%, 98% तक बच्चे नंबर लेकर के आए थे सेकेंड सेमेस्टर में, आप ही लोगों को मैंने पढ़ाया था और आप ही लोगों ने आके कमेंट करके बताया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 90% से ऊपर किसी प्रशिक्षु को मिले ही ना, ये बिल्कुल आप दिमाग में निकाल दीजिए। आपने कॉपी में सही से लिखा है, सारे आंसर लिखे हैं, तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, आप अपने यूपी टेट सुपर टेट पर फोकस करिए, सी टेट पर फोकस करिए, ना कि इस डीएलएड में अब फंसे रहिए। डीएलएड का काम आपने कर दिया, आपने अपना एग्जाम मेहनत से दे दिया सारे सब्जेक्ट का, अब आपका काम है आप आगे देखिए, अब आपको आगे क्या करना है, आपकी आगे की जर्नी क्या है, ना कि आप फिर पीछे मुड़ के देखिए। इसीलिए दोस्तों, मैंने इस न्यूज को सुबह नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु कमेंट के माध्यम से लगातार पूछ रहे थे तो मुझे ये बनाना पड़ा। इसके अलावा जब आपको पता है कि कॉपियां डाइट पर चेक होती हैं, सभी डाइट पर कॉपियां जाती हैं, किस डाइट की कॉपी कहाँ गई है, किस जिले की कॉपी कहाँ गई है, ये किसी को नहीं पता होता है। दूसरी चीज, जो भी शिक्षक आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, जितने भी प्रवक्ता है डाइट के, सब लोग कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं, तो वहां पर उन लोगों को फोन ले जाना अलाउ नहीं होता है। ये पहले भी रूल था और अभी भी है, तो इससे ये होगा कि शुचिता बनी रहेगी और कॉपियां सही से चेक होंगी। तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, आप अपना फोकस यूपीटेट पर करिए। बिना कोचिंग के आप यूपीटेट की तैयारी कैसे घर पर बैठकर कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और मैंने अपना जितना पूरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को उसमें बता दिया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। सीडीपी यानी कि बाल विकास की क्लासेस आपकी रेगुलर चल ही रही है, आप उनको भी देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आपका फोकस यूपीटेट होना चाहिए, समय बहुत ही कम है,
तो आप फोकस उस पर करिए ना कि इन सब चीजों पर करिए। आपने अपना काम खत्म कर दिया ना, तो इन सब चीजों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता लगेगा कि 95-96% नंबर भी प्रशिक्षुओं ने प्राप्त किए हैं। तो ये डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। ये जो पेपर में निकला इसको लेकर के बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान हो गए थे। तो आपको दिमाग में रखना ये है, आपको आगे क्या करना है, यूपी टेट सी टेट उसकी तैयारी करनी है, ना कि इन सब बातों को सोचना है। आपने अपना काम खत्म कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको यूपी टेट से रिलेटेड सारे की सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। किताबें कौन सी लेनी है, पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और बिना किसी कोचिंग के आप कैसे पढ़ सकते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बता सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख लीजिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको यूपी टेट ही नहीं सुपर टेट सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। और हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, आप में से हर एक प्रशिक्षु अपने सपने को, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करे और जल्द से जल्द शिक्षक बने। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।